कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को शुरू हुए इस गेम शो की शुरुआत अमिताभ बच्चन ने धमाकेदार अंदाज में किया है। शो में झारखंड के एक युवा वैज्ञानिक और प्रोफेशन से शिक्षक ज्ञानराज इस सीजन के पहले कंटेस्टेंट रहे। केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचना ज्ञानराज के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने केबीसी के कई सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा। ज्ञानराज ने अपने इस अनुभव को एक इंटरव्यू में साझा किया है। ज्ञानराज ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में केबीसी के सेट के नियमों के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि वे अपनी जिंदगी के इस खास मौके पर अपनी फेवरेट ब्लू शर्ट पहनना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें टीम ने बताया कि वे ब्लू की बजाय रेड शर्ट पहनकर सेट पर जाएंगे तो वे चौंक गए। उन्होंने कहा कि केबीसी 13 की टीम ने 10 से 12 जोड़ी अलग अलग तरह के कपड़े लाने को कहा था। इसके अलावा उन्हें ब्लैक और व्हाइट कलर के कपड़े लाने से मना किया गया था। वे कहते हैं, हमें 10 से 12 जोड़ी कपड़े लाने को कहा गया था, ज्यादा भी ला सकते हैं, पर ब्लैक और व्हाइट कपड़े नहीं लाने हैं। यहां तक कि टीम तय करेगी कि कौन सा कपड़ा पहनना है। ज्ञानराज ने बताया कि प्रोमो में जो रेड शर्ट पहने हुए नजर आ रहे हैं वो कंपनी की ओर से दी गई है। वे कहते हैं, मैं जो कपड़े लेकर आया था उनमें रेड कलर का मेरे पास कुछ भी नहीं था। सभी को अलग अलग रंग के कपड़े देने थे, इसलिए मुझे कंपनी ने वो शर्ट दी ताकि वे अलग लग सकें। कपड़े के कलर के अलावा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए भी केबीसी के सेट पर सख्त नियम है। ज्ञानराज कहते हैं, सेट पर जाने से पहले आपको एक होटल में रखा जाता है। हम 10 लोग थे और हमें एक होटल में अलग अलग फ्लोर पर रखा गया था। दूसरे दिन आरटीपीसीआर टेस्ट किया गया, 3 दिन तक क्वारंटाइन में रखा गया और 4th दिन शूट के लिए सेट पर ले जाया गया। शूट के लिए सुबह 5:30 बजे ही तैयार होने के लिए कह दिया गया था। सेट पर पहुंचने के बाद दोबारा टेस्ट किया गया और फिर एक कमरे में बैठने के लिए कहा गया। बता दें, केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचने के लिए ज्ञानराज 2 करोड़ लोगों में से चुने 200 लोगों में शामिल थे। इन 200 लोगों को मात देकर वे आगे बढ़े और हॉट सीट तक पहुंचे। यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कौन कौन से राउंड से गुजरना पड़ा ये भी ज्ञानराज ने बताया। उन्होंने कहा, 2 करोड़ लोगों से सिलेक्शन शुरू हुआ था। इनमें से पहले 40,000 लोग चुने गए, फिर 12,000 और फिर ज्यूरी ने 1200 लोगों को सिलेक्ट किया। इन 1200 लोगों का पहला राउंड जीके का था। 30 मिनट की समय सीमा में 20 सवालों के जवाब देने थे। हर सवाल के जवाब के लिए 20 सेकंड का टाइम दिया गया था। इसके बाद ऑनलाइन वीडियो राउंड होता है, जिसमें हमारे बारे में जानकारी ली जाती है, आपका नाम, काम और आपसे जुड़ी तमाम बातें। इन 2 राउंड्स के जरिए कंटेस्टेंट के बारे में पूरी जानकारी हासिल की जाती है। बाद में इन 1200 लोगों को पर्सनल इंटरव्यू यानी PIR के लिए कॉल किया जाता है और ये राउंड अलग अलग जगहों या शहरों में होते हैं। ज्ञानराज ने इस राउंड के लोकेशन बताते हुए कहा, इस बार लखनऊ, कोलकाता, भोपाल, मुंबई और ग्वालियर में सेंटर थे, जहां सभी 1200 लोगों को बुलाया गया था। वहां आपके जीके टेस्ट को रीचेक करने के लिए दोबारा जीके का टेस्ट लिया जाता है। इसमें भी 2 राउंड्स हुए, जिसमें लगभग 20 सवाल पूछे गए थे। पर्सनल राउंड के बाद ज्यूरी ने 200 लोगों को सिलेक्ट किया। इसके बाद 10-10 के बैच में उन्हें मुंबई बुलाया गया। वे कहते हैं, इसके लिए आपको 10 से 15 दिन पहले फोन आएगा कि मुंबई आना है। इसके बाद से हर दिन केबीसी की टीम के लोग आपसे संपर्क में रहेंगे और हर दिन 2 से 3 घंटे बात कर आपके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। हालांकि सिलेक्शन के बाद क्या होता है ये भी ज्ञानराज ने बताया। उन्होंने कहा, सिलेक्टेड कंटेस्टेंट को टीवी पर आने से 10 से 15 दिन पहले जानकारी दे दी जाती है। इसके बाद जो कंटेस्टेंट टीवी पर आने वाला होता है उसकी स्टोरी शूट की जाती है। इसके लिए एक टीम कंटेस्टेंट के घर भेजी जाती है। ज्ञानराज के घर भी टीम पहुंची थी, जहां उन्होंने 2 दिन स्कूल का प्रोमो शूट किया। बता दें, सोमवार के एपिसोड में ज्ञानराज का मजेदार गेम देखने को मिला। यहां ज्ञानराज 12वें सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए और करोड़पति बनने से चूक गए। हालांकि उन्होंने कुल 3,20,000 रुपए की राशि जीती। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss any update.